हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो गुनगुन मैडम चाय बनाने के लिए किचन में गई हैं कि बीरबल की खिचड़ी, क्योंकि समर जब आया तब तो उनका कोई नामो निशानी नहीं था। ऐसा गई रफा दफा हुई कि किचन में ही लगता है बस गई। और यहाँ पे समर समर को देखते ही राधिका की मम्मी तो बिल्कुल ही सटपटा गई। ऐसा लगा जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई है ना राधिका की मम्मी। और यहाँ पे पंडित जो आपको अलग से ही पैसे मांग मांग के आपको टॉर्चर कर रहा है। यहाँ पे समर को कुछ तो समझ में आया, क्योंकि पंडित की जो बातें उसने सुनी, पूजा करने वाली, वश में करने वाली, और यहाँ पे उसने उसकी फ़ोटो भी खींची। तो समर को मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, तुम जब इस घर में आए, तुम्हारा खुद का ये घर है, तुम वहाँ पे तुम इनसे वहीं पे बातें करके तुम निकल गए। तुम जब दोबारा आए, तुम जब सुने कि वो कुछ पूजा पाठ की बातें, उसको वश में करने की बातें कर रहा है, तो तुमको तो अपने घर में सब तरफ जाके टटोल के देखना चाहिए कहीं गुनगुन वहाँ तो नहीं है। पर तुम कहीं भी नहीं गए, एज अ गेस्ट तुम ढुके, थोड़ा सा सामने खड़े होकर तुम बातें किए जो जैसे तुम वीडियो में करते हो, और फिर तुम निकल गए। अरे भाई, थोड़ा सा इधर उधर तो झांक तो लेते, तुम्हारी गुनगुन लैला वहीं भी मिल जाती। और दूसरी बात है राधिका की मम्मी, पंडित के पास अब अच्छा ही फंस गए हो, क्योंकि ये पंडित अब आपको छोड़ने वाला नहीं है। अब आप रेडी रहना, क्योंकि ये जैसे गुनगुन को वश में कर सकता है, वैसे आपको भी वश में कर सकता है। बस ये आपको वश में करेगा तो फिर उसके बड़े भैया के पास आपकी बेटी चली जाएगी, आपके लिए मदद मांगने के लिए कि आपको ठीक कर दे। क्योंकि ये पंडित जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक तो वो ठीक करने वाला है नहीं। फिर क्या होगा? फिर तो कुछ नहीं होगा, हमें मज़ा ही आएगा। और यहाँ पे जो 20,000 आप दे रहे हो 70,000 की जगह, 1,00,000 की जगह, तो ये सब आपका वहीं से साइड से निकल जाएगा। मैं समर से तो एक ही चीज़ बोलूँगी, जब तुमको पंडित का फोटो मिल गया है और तुमको जब यहाँ पे तुमने उसकी बातें भी सुनी, तुमने खुद कहा, तुमने रिकॉर्डिंग की है, दोनों चीज़ लाओ। जो पुलिस तुमको मारता है पकड़ के, उसके पास जाओ और उसको जाके सारा चीज़ शो करो एज अ एविडेंस। उसको बोलो, देखो आप मुझे मारते हो, यहाँ पे राधिका की मम्मी के पास ये बैठा हुआ था, ऐसी बातें चल रही थी, और ये है पंडित। तो वहाँ पे तब तुम्हारा कुछ काम भी बन जाएगा। पर अभी भी अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो फिर तो भाई कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। बनाते रहो ब्लॉग। तो चलिए, जिसका ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।